तो निकाय का संघ जारी है और लगातार आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। हमारे साथ भूपेंद्र सवन्नी जी है, बीजेपी के दिग्गज नेता है। किस तरह दिख रहे हैं भिलाई में आप जमे हुए हैं, क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आए? भिलाई नगर निगम की जनता इन 3 वर्षों में कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी को पूरी तरह से देख रही है। जिस प्रकार से जनता को यहाँ छला गया है, ठगा गया है और जिस प्रकार से पूरे नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है और विकास की दृष्टि से पूरे नगर निगम में इन 3 वर्षों में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जो भी विकास कार्य हुए हैं डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 15 वर्षों पर हुए हैं और यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक के द्वारा उनके माध्यम से हुए हैं और कांग्रेस सरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वीकृत कार्यों का ही लोकार्पण कर पाई है। उनके द्वारा नए सिरे से कोई कार्य यहाँ पर नहीं कर पाए गए हैं और निश्चित रूप से जनता इस सारी वादा खिलाफी को देख रही है और भिलाई नगर निगम की जनता ने यह ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़े जनमत के साथ यहाँ पर बहुमत देने जा रही है। जनता आप लोगों से घोषणा पत्र की उम्मीद कर रही थी लेकिन आपने आरोप पत्र जारी कर दिया, आखिर ऐसा क्यों पड़ा? हमने आज जो आरोप पत्र जारी किया है वो कांग्रेस के द्वारा इन 3 वर्षों में जो वादा खिलाफी की गई, जो हमारे आरोप हैं, हमने आरोप पत्र प्रदेश स्तर पर जारी किया है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के ऊपर हमारे ये आरोप हैं। साथ ही साथ हम स्थानीय स्तर पर भी हम अपना घोषणा पत्र भी कल जारी करने वाले, कल परसों में एक दो दिन में वो हमारा अलग होगा, किंतु ये आरोप पत्र जो है इसका जवाब हम कांग्रेस से मांग रहे हैं। कांग्रेस जवाब दे रहे हैं कि खुले मंच में आ जाए, कहीं भी वार्ड वार चर्चा करेंगे पूरे विकास को लेकर, चाहे वो रमन सिंह के 15 साल हो या फिर भूपेश सरकार के 3 साल। बता रहे कि भूपेश सरकार के 3 साल का पलड़ा भारी है, चैलेंज स्वीकार करते हैं? कांग्रेस अपने विकास कार्यों का जनता को बताया, जनता स्वयं इस बात को बेहतर समझ रही है कि उनको ठगा गया है, छला गया है। किसी भी वार्ड में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य इन 3 वर्षों पर नहीं हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के स्वीकृत 2 वर्षों के कार्यकाल को ही अपना काम बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही सारे कार्य स्वीकृत हुए। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सवन्नी जी, जिनसे हमने बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि आरोप पत्र तो जारी कर दे लेकिन जनता के लिए भी घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। आरोप पत्र इसलिए जारी किया है क्योंकि भूपेश सरकार के 3 साल के कामकाज और स्थानीय जो महापौर है उनके कार्यकाल के जो अनछुए पहलू है जो जनता तक नहीं पहुँच पाई है उनको पहुँचाने के लिए आरोप पत्र जारी किया है। कैमरा पर्सन अक्षय कुमार के साथ अर्जुन कटिकेश्वर, भिलाई, छत्तीसगढ़।